नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं वॉलनट ब्राउनी। ये चंद चीज़ों से और बहुत कम समय में बन जाती है। आइए देखते हैं ये कैसे बनती है। और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके लिए हमें चाहिए 20 से 25 चॉकलेट बिस्किट, 2 टेबल स्पून डार्क चॉकलेट, 1/2 टी स्पून मीठा सोडा, 1 टी स्पून बेकिंग पाउडर, 2 चम्मच कोको पाउडर, 1 चम्मच कॉफ़ी और 3/4 कप मिल्क। अब हम बिस्किट को मिक्सी में डाल के इसका चूरा बना लेते हैं। अब ये देखिए, इसका हमने फाइन पाउडर बना लिया है। मैंने ये चोको चिप्स वाले बिस्किट यूज़ करे हैं। आप चाहो तो इसमें ओरियो या क्रीम वाले कोई भी बिस्किट्स यूज़ कर सकते हो। अब ये जो हमने दूध लिया था, इसको मैंने गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। अब ये मेरा दूध गर्म हो गया है। अब मैंने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और ये जो चॉकलेट्स थी हमारी, आप इसमें डाल दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसमें साथ में कॉफ़ी और कोको पाउडर। ये मैंने चॉकलेट चोको चिप्स वाले बिस्किट लिए हैं, तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून बटर डाल रही हूँ। अगर आप ओरियो और क्रीम बिस्किट लेते हो तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये इसमें हम लोग ये पाउडर डाल देंगे जो हमने ओरियो बिस्किट्स का बनाया था। ये देखिए, सॉरी ओरियो का नहीं, हमने चोको चिप्स बिस्किट का बनाया था। और इन सबको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना। अब ये टीन में मैंने बटर पेपर को लगा दिया है। अब ये अच्छे सा बैटर भी बन गया है, इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें मीठा सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। आप चाहो तो इसमें 1 टीस्पून इनो भी ऐड कर सकते हो। अब इसको बहुत हल्के हाथों से आपने हिलाना है। अभी हमारा बैटर बन गया है और अब इसको हम टिन में पोर कर लेंगे। ये बैटर हम लोगों का थोड़ा सा थिक होता है, अब इसको हमने इसमें पोर कर देंगे। ये देखिए, अभी मैंने सारा टिन में डाल दिया और इसको हम लोग थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि इसमें कोई एयर बबल्स वगैरह ना रह जाए। और ऊपर से वॉलनट वगैरह जो भी आपने डालना आप वो डाल सकते हो। अब ये इस पर मैंने ढक्कन लगा दिया है और अब गैस को ऑन कर दिया। इसको 15 से 20 मिनट लगेंगे। आज हम इसे कढ़ाई में बनाते हैं। ये मैंने ब्राउनी का मोल्ड को कढ़ाई में रख दिया है और गैस को चालू कर दिया है। अब इसके ऊपर हम लोग ढक्कन लगा देंगे और इसको 15 से 20 मिनट में पक जाएगा। अब ये देखिए, 15 मिनट बाद हमारी ब्राउनी एकदम रेडी हो गई है। अब इसको हम ढक्कन लगा के ऐसे ही छोड़ देंगे। अब मैं इसका गैस ऑफ कर रही हूँ और इसको ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। अभी हमारी ब्राउनी रेडी हो चुकी है और अब हम इसको निकालते हैं। मोल्ड से काट लिया है, ये देखिए कितनी सॉफ्ट और स्पंजी बनी है। तो हम इसके पीसेस काट लेते हैं। अभी मैं एक पीस काट के आपको दिखाती हूँ कि कैसा बना। ये देखिए, इसकी जो स्पंज और दिख रहा है आपको, ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पंजी बनी है। ये देखिए ब्राउनी कितनी अच्छी लग रही है।